कि ये किसी को सिटीजनशिप देने के लिए है, ये रिफ्यूजीज़ के ग्रुप को किसी की शहरियत नागरिकता लेने के लिए नहीं है। अगर कोई सरकार कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेकर, कोई रिलीजियस एजेंडा लेकर, कोई कास्टिज्म एजेंडा लेकर, कोई डिफरेंस करने के लिए, डिवाइड एंड रूल करने के लिए के कोई एजेंडा लेकर अगर खड़ा हो जाए देश से आदमी को निकालने के लिए, तो ये थोड़ा दूसरी बात होता है। और ये बात है कि अगर वो नहीं लेंगे, किसी का छीन नहीं ले रहा है बोल रहा है ना, लेकिन आप कानून देखिए इसमें क्या बोला, जो आए हुए है वो तो ऐसे नागरिक है बहुत दिन पहले से है, अभी बोलते हैं उसको 5 साल फॉरेनर्स करने पड़ेगा पहले, कानून देख लो आप, उसका बाद उसको नागरिकता देगा कि नहीं देगा गवर्नमेंट का ऊपर है। तो आप पहले जो नागरिक है उसको आप देश से निकाल दे रहे हैं, फॉरेनर्स बना रहे हैं, अगर वो फॉरेनर्स बन गया तो जो नौकरी करते हैं उसको नौकरी नहीं जाएगा, जो पढ़ाशुना करते हैं उसको पढ़ाशुना नहीं जाएगा, जिसको घर प्रॉपर्टी जिसको खरीदा, जो गरीब लोगों का सबसे ज़्यादा इसमें बेइज्जती होगा, गरीब लोगों ने जिसका पास थोड़ा एक छोटा सा ज़मीन है, छोटा सा एक मकान है, छोटा सा एक नौकरी करता है, वो कहाँ जाएगा, पहले 5 साल के लिए फॉरेनर हो जाएगा तो उसको तो कोई चीज़ में उसका हक नहीं रहेगा। इज अ वेरी सेंसिटिव इशू। जो इस तरह के लोग रह गए जिनको सिटीजनशिप नहीं दे पाए, उनको आप सिटीजनशिप देने के हक में हैं, लेकिन ये नहीं, जो हम रिलीजियस कास्ट क्रीड इसका सबको सिटीजनशिप मिल गया, जो वोटर है वही हमारा देश का सिटीजन है। तो NRC जो आया था, जो आसाम में इन्होंने किया और जिसके बाद अपोजिशन ने जो है, और आपने खास तौर से ये कहा कि हम नहीं होने देंगे, इसको क्या लगता है इसका पॉलिटिकल मोटिव है इसका? मोटिव तो है, ये तो मैं कह रहे बोला हैं ना, कि ये देखिए इलीगल इमिग्रेंट्स देखिए ये निकालना बात है। नहीं है, हमारा इंडिया का ब्यूटी ये है, हम सेकुलर कंट्री है, हमारे हर सारा हर इंसान हर कास्ट क्रीड रिलीजियंस वी आर ऑल टुगेदर। हमारा देश में देखिए कितना राज है, कभी बिहार है उसका अलग भाषा है, उसका अलग कल्चर है, यूपी का अलग है, साउथ इंडिया का अलग है, बंगाल का अलग है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एक साथ में हम लोग रहते हैं, वी बिलोंग्स टू इंडिया। देश को डिवाइड एंड रूल करने का पॉलिसी जो बताया, ए ओ होने से ओ देगा, ओ नहीं होने से देगा, हायर कास्ट को देगा लोअर कास्ट को नहीं देगा, हिंदू को देगा मुस्लिम को नहीं देगा, सिख को देगा ईसाई को नहीं देगा, ऐसा ऐसा जो बात हुआ है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों कभी तो नहीं हुआ, आज आज़ादी का बात हमारा 73 साल हो गया है, ये बात तो कभी आया नहीं, क्यों होगा? आज ये देखना है कि हम लोगों को रोटी कपड़ा मकान देंगे ना लोगों को निकाल देंगे, क्या करेंगे? लेकिन जो जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो जो होम मिनिस्टर हैं, अमित शाह, प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका ये कहना है कि बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से आकर के आसाम और बंगाल वगैरह में बस गए हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के देखिए लिए ये एनआरसी कर में आप देख लिया, आसाम पे 19 लाख लोगों को निकाल दिया जो हमारा देश का सिटीजन है, देश का राष्ट्रपति जी का परिवार भी इलीगल है, ये बोलने का कोई जवान काम करता है आर्मी में वो भी इलीगल है, इट इज़ नॉट करेक्ट एट ऑल। इसमें जो हुआ है, जो खतरा हुआ है, आसाम में 40 लाख लोगों को नाम निकाल दिया था, अभी भी 19 लाख लोगों का कितना आदमी सुसाइड किया है, ये कभी कोई देश का पॉलिसी नहीं होता है कि हमारा जो बीजेपी होगा खाली वो रहेगा, सबको निकाल दो, ये कभी हो सकता है? कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगा, कोई पार्टी जाएगा, लेकिन हर इंसान का हक है देश में रहने के लिए, आई एम द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमारा सिटीजनशिप हमारा वोटर लिस्ट में नाम है, हम वोट दे के लीडर लोग चुनते हैं, हम इतना सरकार बनाया, और आज आपको क्वेश्चन करने पड़ा कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, आपका पिताजी का जन्म स्थान कहाँ है, हमको अगर पूछे आपका माता जी का जन्म स्थान बताओ, आप सॉरी डेट ऑफ बर्थ बताओ, हम कैसे बताएंगे, मेरे को पता ही नहीं है, हम भी गाँव में ही जन्म लिया, तो आप हमको बताओ, तो उसमें उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, हमारा स्कूल का सर्टिफिकेट इसमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो आप कहते हैं पैन नहीं चलेगा, आधार नहीं चलेगा, रेशन कार्ड नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा? खाली बीजेपी का गुंडाइज्म चलेगा? तो टारगेट कौन लोग हैं अगर इस टारगेट टारगेट बीजेपी का पॉलिटिकली जो मर्जी है उसको पॉलिटिकल, कोई हेटेड टारगेट है जिसको हेट करते हैं उसको खिलाफ में यही कानून लागू करते हैं, तो ये ठीक बीजेपी नहीं है। बीजेपी RSS वाले कहते हैं कि बंगाल में खास तौर से कहते हैं कि NRC इसलिए जरूरी है कि यहाँ बड़ी तादाद में उनके हम मुताबिक लोग बंगाल में रहते हैं, लोग हमारा रह रहे पता हैं। नहीं है, उसको पता ज्यादा है दिखता है, वो कहते हैं कि आपको सपोर्ट नहीं मिलता है इसलिए आप जो है नहीं चाहती यहाँ पर, उनका इल्ज़ाम है। हम तो 8 साल पावर में है, उसका बाद में तो 62 साल था, तब क्या था? 62 साल तो बिगड़ गया, तब भी कोई ना कोई गवर्नमेंट था, ये बात क्या है? ये बात कोई बात है? तो आप क्या समझते हैं ये देखिए जो बीजेपी इज एंटी बंगाली, दैट आई नो, बीजेपी इज एंटी बिहारी इवन, एंटी यूपी इवन, वो जो गरीब लोग है वो एंटी पुअर है, वो बंगाली का बात छोड़ दो, इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ बंगाली और बिहारी और यूपी और साउथ इंडिया, श्रीलंका को क्यों छोड़ा, अफगान को क्यों छोड़ा, अब बताओ,
ये हमारा साथ बॉर्डर नहीं है, ऐसा कंट्री भी बहुत है इसको लेके आया, लेकिन श्रीलंका तो हमारा तमिलनाडु का बॉर्डर है, तो उसको रिफ्यूजी को क्यों छोड़ा? पहले इसको रिप्लाई देने बोलो। खाली बंगाल में उनको पॉलिटिकल फायदाबाजी के लिए झूठा कह रहा है, जो हम इसका साथ सहमत नहीं हूं। बीजेपी जो है वो लाइक कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बड़ी पार्टी जो होती हैं वो चाहती हैं कि पूरे हर जगह पे उन्हें पावर में आने का कोशिश करती हैं, लेकिन बीजेपी का बंगाल पे फोकस बहुत ज़्यादा है, और एक पॉलिटिकल राइवल के तौर पर देखिए कितना वो बड़ा नहीं चैलेंज है, है आपका। बीजेपी का ज्यादा फोकस आप लोगों को मीडिया का माध्यम से होता है, ये तो बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलने नहीं सकता है, कोई बोलता है तो उसको नौकरी खा लेता है। सो दिस इज द सिचुएशन, एट दिस सिचुएशन देखिए, हम तो जो हम आई एम फ्रॉम माई मूवमेंट, हम आंदोलन से उठा है, हम स्टूडेंट आंदोलन से आया है, तो हमारा हम अगर जनता के खिलाफ में कुछ देखेंगे तो हम उसको आवाज़ तुलेंगे, लेकिन हम आवाज़ तुलेंगे इसी के लिए आपको जो भी जत्ती करना है, जो भी जस्ती करना है वो करेंगे, टर्चर करेगा, एट्रोसिटीज करेगा, वैंडलिज्म करेगा, ये हम कभी नहीं सह सकते हैं, बिकॉज आई एम फ्रॉम द मूवमेंट एंड इट इज़ माई कैरेक्टर। माई कैरेक्टर इज दैट आई हैव टू फाइट फॉर द पीपुल, आई एम फॉर द पीपुल, आई एम ऑफ द पीपुल, आई एम बाय द पीपुल, आई एम फॉर द पीपुल, आई एम हियर बिकॉज इट इज़ नॉट माई परमानेंट चेयर, बट दिस परमानेंट चेयर इज़ फॉर द पीपुल, टू द पीपुल, एंड दैट्स आई हैव टू रिमेंबर द पीपुल। ममता जी, ये बताइए कि ये जो NRC हो या CAA है, ये आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लार्जर हिंदुत्व का एजेंडा है? हिंदू ही तो उसके खिलाफ में मूवमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, आप देखा नहीं? बीजेपी चाहा था, बीजेपी चाहते थे हिंदू मुसलमान का मूवमेंट हो जाए, लेकिन देश का एक बड़ा गौरव है, इंडिया का एक कैरेक्टर है सेकुलरिज्म का, कि हर इंसान आज एक इसका खिलाफ है, आज हिंदू ज़्यादा खिलाफ है, मुस्लिम तो है ही, उसको जिंदगी बर्बाद करने के लिए जो भी मर्जी करते हैं, लेकिन ये भी है कि हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इसका खिलाफ है। ये बताइए कि CAA तो अब तो कानून बन चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्लियामेंट से पास किया हुआ कानून है, बहुत सारी स्टेट जो खास होते हैं नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं वो उसको अपोज कर रही हैं, तो अगर एक सेंट्रल कानून आ जाता है और तो उसको तो कानूनी तौर पर तो आपको मेजोरिटी कभी कोई इम्प्लीमेंट कानून पास करता है, लेकिन वो कानून अगर हमारा स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो इलेक्टेड, प्लीज रिमेंबर, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे इलेक्टेड लोकतंत्र में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ऐसा स्टेट भी इलेक्टेड है, तो स्टेट में कुछ करना है तो सेंट्रल लॉ होने से भी हमको देखना है कि ये लॉ हमारा क्या जनता का ऊपर कोई एंटी पीपुल वर्क तो नहीं करेंगे, एंटी पीपुल अगर वर्क करेंगे तो कौन संभालेगा स्टेट को, हमको देखना है शांति से स्टेट चले। आपको लग रहा है कि जिस तरह से प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं पूरे कंट्री में, क्या गवर्नमेंट हुकूमत दबाव में आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट? कुछ तो आया है लगता है, लेकिन जब तक पूरा नहीं होता है हमारा आंदोलन जारी रहेगा, तो क्या इसका नतीजा क्या निकल सकता है? कुछ नतीजा नहीं है। वी ऑल वी लव आवर कंट्री, हम हिंदुस्तान को पसंद करते हैं, हिंदुस्तान के लिए हमारा गौरव है, हमारा देश सारा विश्व में एक गौरव का देश है, जो देश आज़ादी का लड़ाई में इतना लड़ा, हमारा देश में हर हिंदुस्तान चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहना भाई भाई, ये हमारा सबसे बड़ा स्लोगन है, हर इंसान का नाम है हिंदुस्तान, इसको हम रोक सा करेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट को बहुत मजबूत गवर्नमेंट समझा जा रहा है, उनकी देखिए पॉपुलैरिटी थोड़ा बहुत। मेजोरिटी हुआ, ऐसा मेजोरिटी बहुत कांग्रेस का पास में भी थे, राजीव गांधी व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर उसका 400 मेंबर था, ये लोग के पास में तो 300 का करीब, 300 है, राजीव जी का पास में तो 400 था, तो क्या गवर्नमेंट कभी हो सकता है? हमारे पास भी 2/3 मेजोरिटी है, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर सकता है जो जनता का खिलाफ है, हम चेयर में है, जिसको मर्जी हम जो भी मर्जी कर दे, ये हम नहीं कर सकता है। ये बताइए कि किस तरह का फ्यूचर देख रही हैं आप? फ्यूचर जनता का है और किसी का नहीं है, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे पीपुल्स आर द विनर, जनता को ही जय होगा, जनता ही जय बनेंगी, आज जन